बैंगलोर के बाबू भाई की खादी की दुकान है। गो न्यूज़ संवाददाता रमन ममगई ने जब बाबू भाई से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब युवा भी खादी खरीद रहे हैं। ये बाबू खादी भंडार हैं और ये बाबू भाई हैं मेरे साथ। 40 साल से इनकी खादी की दुकान है। बाबू भाई, खादी खरीदने आए 40 साल में, कुछ बदला चीजें? पहले ज्यादा खरीदते थे या अब ज्यादा खरीदते हैं? अभी ज्यादा खरीदते हैं। मोदी जी बोलने के बाद में थोड़ा अच्छा रेस्पॉन्स है खादी कलर में। मोदी जी के बोलने से फर्क पड़ रहा है? थोड़ा फर्क है, थोड़ा गैंगस्टर को सबको भी थोड़ा उनको भी पहनने का बहुत हिम्मत हो रहा है। अच्छा है। अभी धंधा कैसा चल रहा है? धंधा थोड़ा ठीक है, अभी इलेक्शन वजह से थोड़ा मंदा है, फिर भी ठीक है। इलेक्शन में तो नेता ज्यादा खादी के कपड़े खरीदते होंगे? नेता कपड़े तो खरीदते हैं, अभी अभी इलेक्शन का टाइम है, उधर ही उनका स्पॉट में उनका इलेक्शन में एमएलए लोग रहता है ना, उधर ही जाको वो कैनवास के लिए उधर ही रहता है। थोड़ा मंदा है। जीएसटी वगैरह से फर्क पड़ा कुछ? थोड़ा फर्क है। अब सब ठीक है? सब ठीक। अच्छा ये बताइए कि अभी जो पार्टियां हैं यहाँ कर्नाटक में, बीजेपी है, जेडीएस है मैदान में, बीएसपी भी आ रही है, कांग्रेस है, कौन लगता है कि कुछ करेगा आपके बेंगलुरु के लिए, कर्नाटक के लिए? कर्नाटक के कोई भी आए तो हमारा फर्क तो नहीं पड़ेगा, हम तो धंधा वाला ही ना, फर्क तो नहीं पड़ेगा। वो तो आ रहे हैं, कौन सा पार्टी आए तो हमारा खुशी है, कोई भी आ जाए खुशी है, खुशी है। धंधा चलता रहना, धंधा चलता रहना, धंधे के बारे में। तो चलिए, यही सबसे बड़ी इच्छा होती है हर व्यापारी की, हर एक आम आदमी की, कि जो भी आए अपना धंधा चलता रहे। वोट तो डालेंगे आप? वोट तो डालेंगे, जरूर डालेंगे। चलिए, और यही एक अच्छे नागरिक का काम भी है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बेंगलुरु से गो न्यूज के लिए रमन मंगाई।